मुगलों के शासनकाल में अगर किसी बादशाह को सबसे कमजोर शासक माना जाता है तो वो थे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। मुगलों ने भारत पर 332 इयर्स तक राज किया। 1837 के सितंबर में पिता अकबर राजद्वितीय की मौत के बाद बहादुर शाह जफर बादशाह बनाए गए। 1857 में ब्रिटिशरों ने तकरीबन पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। जफर ने 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद मुगल काल का अंत हो गया। जफर के साथ मिर्जा जवान बख्ता और मिर्जा शाह अब्बास को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। रंगून में बहादुर शाह जफर को 6 नवंबर 1862 को लकवे का तीसरा दौरा पड़ा। 7 नवंबर की सुबह 5 बजे आखिरी मुगल बादशाह ने दम तोड़ दिया। मिर्जा जवान बख्त को रंगून में शराब की लत पड़ गई। 18 सितंबर 1884 को सिर्फ 43 की एज में उनको लिवर सिरोसिस हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। शहजादा मिर्जा शाह अब्बास बहादुर जफर और उनकी दूसरी पत्नी मुबारक उन निसा खानम बेगम की संतान थे। मृत्यु 1910 में हुई थी।